कुछ बात बोलना चाहती हूँ, अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिंदगी में हमेशा दो लोगों से दूर रहिए, एक घमंडी और दूसरा बिजी, क्योंकि घमंडी अपने मतलब से याद करता है और बिजी अपनी मर्जी से बात करता है। सुबह तक फूलों को भी नहीं पता होता कि उसे मंदिर जाना है या कब्र पे, इसलिए जिंदगी जैसी भी हो उसे हंसी खुशी जी लीजिए। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है। माँ बाप के बारे में कुछ कहने जा रही हूँ, अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक एक शेयर करना ना भूलें। माता पिता वो हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद नहीं चुका सकता। कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, फिर क्यों लोग अपने माँ बाप को भुला देते हैं। माँ के पहनावे और बाप की गरीबी पे कभी शर्म नहीं करना, वो बाप ही होता है जो आपको रुला के खुद रोने लगता है। मंदिर में वो भगवान है जिसने हमें बनाया है, लेकिन घर में वो माँ बाप हैं जिन्होंने हमें बनाया है। कुछ मांगना है तो अपने माँ बाप की लंबी उम्र मांग लो, क्योंकि इनसे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। मैं गलत कहती हूँ औरतों को जो कहती हैं कि हमें मर्द की कोई ज़रूरत नहीं, मर्द बहुत ही प्यारी चीज़ है, अगर आप उसकी एक सुनो ना तो आपकी छः सुनता है। आप उसकी एक इसलिए मत सुनो कि आपकी छः सुनता है, इसलिए सुनो क्योंकि उसके पास भी तो दिल है, आखिर वो भी तो अपने दिल से कुछ बातें आपको कहना चाहता है। अगर मर्द आपके सामने झुकता है इसका मतलब ये नहीं कि मर्द कमज़ोर है, इसका मतलब ये है कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसके अलावा आपको कोई इतना प्यार नहीं कर सकता। अगर आपको ये लाइन पसंद आए प्लीज एक लाइक एक शेयर करना ना भूलें। रोज तुझे ऑनलाइन देखकर मेरे दिल और दिमाग बीच एक जंग छेड़ती है। दिल कहता है टेक्स्ट कर दे, पर दिमाग कहता है छोड़ना, वो तेरा रिप्लाई नहीं करेगा क्योंकि उसके पास तेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है, वो तो अब किसी और के साथ खुश है। भिकारी ने कुत्ते से कहा, तू है तो बड़ा वफादार पर तुझ में तीन कमियां हैं। एक तो तू दीवार पर बाथरूम करता है, दूसरा तू भिकारी को देखकर भौंकता है, तीसरा तू रात को सोने वाले इंसान की नींद हराम करता है भौंक भौंक के। तो कुत्ते ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, बोलता है कि मैं जमीन पर बाथरूम इसलिए नहीं करता कि कहीं किसी खुदा के बंदे ने वहां बैठकर उस खुदा का सजदा ना किया हो। दूसरी बात, मैं भिखारी को देखकर इसलिए भौंकता हूँ क्योंकि वो इंसान के सामने भीख मांगता है, उस भगवान से कभी भीख नहीं मांगता बल्कि इंसान खुद एक भिखारी है। तीसरी बात ये, मैं रात को इसलिए भौंकता हूँ, रात को जब इंसान चैन की नींद सो जाता है और उस खुदा को याद करना भी भूल जाता है, इसलिए मैं इंसान को जगाता हूँ कि उठ और उस खुदा को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है।